Hello guys, welcome back to another new video. This is by Adarsh Kumar. Today we will talk about the College of Bharati Vidyapeeth University, Pune. So without wasting your time, let's get started. तो आज हम बात करेंगे यार कि इस कॉलेज के एडमिशन का प्रोसीजर क्या है यार, इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, इसका जो एडमिशन फॉर्म है वो कैसे भरते हैं, कब आता है, सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे यार। इस कॉलेज की ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, स्कॉलरशिप का सिनेरियो क्या है, बिकॉज स्कॉलरशिप के बारे में बहुत ज्यादा बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे होते हैं यार, उनको स्कॉलरशिप के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो इतनी सारी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और हम बात करेंगे यार एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो होता है कॉलेज का प्लेसमेंट, बिकॉज प्लेसमेंट के बारे में बात करना उतना ही जरूरी है। जैसे आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने आ रहे हो तो आप प्लेसमेंट देखते हो कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, अगर प्लेसमेंट अच्छा होगा तभी आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पैसे इन्वेस्ट करोगे जहां भी बहुत ज्यादा फीस होती है और आपको प्लेसमेंट भी अच्छा खासा मिल रहा होता है। यानी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो जहां पे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिल रहा हो। तो ऐसा करते हैं, लेट नाउ की स्क्रीन पे चलते हैं यार और उसके बाद मैं सारी चीजें कवर करूंगा वन बाय वन, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देख कर जाना यार। तो किसका इंतजार कर रहे हो, चलो। तो यार आ गए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको मेरे सामने दिख रहा है एक पीडीएफ। यार मैंने ये पीडीएफ आपके लिए तैयार किया है क्योंकि यार मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन की काफी सारी वेबसाइट से उठाई है, तो अगर मैं हर वेबसाइट पे आपको लेके जाता तो आप एग्जॉस्ट हो जाते और कहते मुझसे कि बंद कर दो वीडियो, मुझे नहीं देखना है। इसीलिए मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है भारतीय विद्यापीठ डीम टू बी यूनिवर्सिटी पुणे इंडिया। भाई अच्छी खासी यहाँ की रैंकिंग है, ए प्लस ग्रेड कॉलेज है, ठीक है। एनआईएफ रैंकिंग की बात करें यार तो 63 इसकी यूनिवर्सिटी रैंक है जो 2020 में निकाली गई थी, ठीक है। और ये कॉलेज की यार जो इन्फॉर्मेशन है मैंने पुणे और मुंबई की सेम है, तो यार ये सारी चीजें मैंने निकाली हैं। आप देखो आके जो रैंक वगैरह है कुछ ऐसी है, 99 रैंक है यार एनआईएफ रैंकिंग में एमएचआरडी और जीओआई, और ये 20th नेशनल लेवल है और 13th रैंक इसकी डेटा क्वेस्ट में है, 17th रैंक इसकी टाइम्स ऑफ इंडिया में है। ये सारी रैंक इस कॉलेज की है, मतलब कॉलेज की रैंक वगैरह जो है अच्छी है। अगर आप रैंक पे बिलीव करते हो तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज एडमिशन ले सकते हो। बाकी अगर आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है तो आप सारी चीजें देख के तभी कॉलेज एडमिशन लेना, ठीक है। अब यार हम यार इनकी यूनिवर्सिटी की जो अचीवमेंट है वो देख लेते हैं। ए प्लस रैंक कॉलेज है वो तो मैंने आपको बता दिया, ए ग्रेड कॉलेज है वो मैंने आपको बता दिया, और यार बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो यार कि इनको ये सारी चीजें मिल चुकी हैं। और इनके यहाँ पे यार 23,000 प्लस स्टूडेंट हैं, 1,600 प्लस टीचर्स हैं और 324 प्लस प्रोग्राम्स हैं और 29 प्लस इनके यहाँ पे कंसिस्टेंट यूनिट्स हैं इनके यहाँ पे, ठीक है। और रैंकिंग वगैरह यहाँ पे भी दिखा रखी है जो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यार आपको दिख जाती है यहाँ पे 12 फैकल्टीज नेमली दिखाई गई हैं कि इनके यहाँ पे ये फैकल्टी है, जैसे फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी, ऐसे करके देखो यहाँ पे 12 यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ओके। उसके बाद अगर हम यार बात करें एडमिशन के प्रोसेस की, जो आपको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल वेरिफिकेशन करवाना है, उसके बाद आपको यहाँ का एक फॉर्म भरना होता है जिसका नाम होता है CET, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको उसकी फीस पे करनी होती है, उसके बाद आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यार एडमिशन के एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाया हुआ है यार कि आप बीटेक में एडमिशन लेने आ रहे हो तो आपको 10+2 करके आना होगा, ठीक है। उसमें आपको कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए ये भी दिखा रखा है यहाँ पे कि मैथ फिजिक्स कंपल्सरी है और केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी ये एक सब्जेक्ट जो है वो कॉमन इन सारे सब्जेक्ट में भी एक हो सकता है, ठीक है। और आपके जो मार्क्स हैं वो 50% लिस्ट आपके आने ही चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद आपके 45% आप मार्क्स ला सकते हो अगर आप बिलोंग करते हो मतलब अदर कास्ट वगैरह से, मतलब SC ST जो होते हैं उससे बिलोंग करते हो तो 45% में भी आपके यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल हो आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने लेटरल एंट्री से एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको डिप्लोमा पास आउट करके आना है, उसमें आपको 50% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हो मतलब भाई SC ST से तो आपके 45% मार्क्स पे भी आपको यहाँ पे यहाँ का जो एडमिशन का फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यार इनका जो एडमिशन का फॉर्म है जिसका नाम है CET इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। हम इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे यार। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि जो ये एग्जाम है यार वो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है कि ये जो एग्जाम होता है आपका वो आपका उसमें आपके 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और उसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चन जो है मैथ के होते हैं, 60 क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स के होते हैं और 60 क्वेश्चन ये आपके केमिस्ट्री के होते हैं, ठीक है। उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है।
एंट्रेंस जो फीस है इस एग्जाम की वो आपकी 1700 रुपए है, ठीक है, ये आपकी ऑनलाइन ही आपको पे करनी होगी, ओके। उसके बाद आप इन सारी जगह पे अपने एग्जाम दे सकते हो, जो यहाँ पे सेंटर्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे आपके एग्जाम हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो आपकी ये सारी सिटी आपके नियर बाय में कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, वहां पे आपको एग्जाम अपना देना पड़ेगा, ओके। अब हम बात कर लेते हैं यार कि इनके यहाँ पे जो बीटेक की जो सीट है वो पर मतलब सारी ब्रांचेस में कैसी कैसी हैं। तो रेगुलर कैटेगरी के लिए कंप्यूटर में आपकी 102 मिलती हैं, इंस्टीट्यूशन कोटा में आपको 18 सीट मिल जाती हैं, और टोटल इनटेक फर्स्ट ईयर में 120 एडमिशन होते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फॉरेन के लिए 18, और जे एंड के का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, या भी आपको 4 सीटें आपको मिलती हैं इन लोगों के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ओके। और आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आप रेगुलर कैटेगरी में भी एडमिशन ले सकते हो। ये केवल आपका कोटा दिखाया हुआ है, इसमें आपको छूट मिल जाती है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर के ही बच्चे लिए जाते हैं जो 4 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसी सारी ब्रांचेस का यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप प्रॉपर वे में पढ़ सकते हो, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यार कि जो इनका फॉर्म है, ठीक है, उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो इनकी लास्ट डेट 15 जून है और 30 जून है। ये दो डेट कैसी है, तो यहाँ पे दो फेज में एडमिशन होते हैं, यानी दो फेज में एडमिशन फॉर्म भी फिलअप होता है, यानी सीईटी एग्जाम का फॉर्म, और उसी दो फेज में यहाँ पे आपको एडमिशन मिल रहा होता है, ठीक है। तो पहले जो फेज है उसका 15 जून है, दूसरा जो फेज है उसका 30 जून है, और एग्जामिनेशन जो डेट है वो 26 और 27 में हो जाएंगे, और जो सेकेंड फेज में वो 10 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा, सबका रिजल्ट 18 जुलाई को आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। और सेकेंड ईयर एडमिशन लेते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाया हुआ है, एमटेक का भी दिखाया हुआ है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं यार कि इस कॉलेज की ट्यूशन फीस क्या है यार, क्योंकि ट्यूशन फीस अगर नहीं जानोगे तो कैसे यार किसी कॉलेज एडमिशन ले सकते हो आप, बहुत कॉमन सी बात है, ओके। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है यार कि जो कंप्यूटर बीटेक की है फीस है वो 1,75,000 है पर ईयर, मतलब अच्छी खासी फीस है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फीस अच्छी खासी है, ठीक है। कंप्यूटर एंड साइंस की भी सेम है, कंप्यूटर एंड साइंस बिजनेस सिस्टम सेम है, मतलब ये सारी फीस आपकी सेम है। उसके बाद बीटेक में ई एंड टी सी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो फीस है वो आपकी यहाँ पे 1,50,000 है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल की भी इतनी है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन की भी इतनी है, केमिकल की कम हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे आपकी सारी फीस वेरी करती है, ठीक है, ब्रांच टू ब्रांच वाइज फीस वेरी करती है, सारी चीज़ें आप देख लो, प्रॉपर वे में आपको दिख रहा होगा, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें यार, इन एडिशन यहाँ पे दिखा हुआ है कि कॉशन मनी डिपॉजिट की 2,000 है, और यहाँ पे स्मार्ट कार्ड फीस जो है वो 450 है, ड्रेस कोड फीस जो है वो 1,000 रुपीज है, एलिजिबिलिटी फीस जो है वो 215 है, और स्टेशनरी फीस भी यहाँ पे दिखा रखा है, मतलब हर चीज का पैसा यार ये लोग आपसे ले रहे हैं, ओके। 800 रुपीज आपको यहाँ पे इस चीज के पे करने होते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखाई हुई है, आप पढ़ सकते हो, ओके। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में, क्योंकि हॉस्टल के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप रहोगे अच्छी जगह तभी तो पढ़ वढ़ पाओगे भाई लोग। तो हॉस्टल में आपको दिखा रखा है कि जो फैसिलिटीज है वो इस तरीके की मिलती है। तो यहाँ पे जो हॉस्टल है यार वो आपके कितने हैं, 7 हॉस्टल हैं यहाँ पे, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल यहाँ पे दिखाए गए हैं। बॉयज हॉस्टल पुणे 43 है, जहाँ पे आपको वार्डन वगैरह का दिखाया हुआ है सब, ये सारे आपके यहाँ पे हॉस्टल हैं, आप देख सकते हो, ओके। फीस के बारे में बात करूँ मैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की फीस दिखाई हुई है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि बॉयज हॉस्टल जो है उसकी जो फीस है वो 1,03,500 रुपीज टोटल फीस है, यानी मेस और हॉस्टल चार्जेस सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। और जो न्यू गर्ल्स हॉस्टल है उसकी 2,16,000 रुपीज टोटल फीस है, ओके, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, परेशान मत होना, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल हॉस्टल की बात करें यार, तो उनके में यार जो दिखाया हुआ है कि 1,03,500 रुपीज है नॉन ए सी डबल बेड का, कुछ ये चार्जेस है, ए सी डबल बेड का ये है, नॉन ए सी सिंगल बेड का ये है, ए सी सिंगल बेड का ये है, तो उनकी फीस वैरी करती है 1,03,000 से 4,16,000 के बीच में केवल हॉस्टल फीस वैरी करती है, मतलब अच्छी खासी फीस है इस कॉलेज की, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। तो अब चलते हैं यार, बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्कॉलरशिप का सिनेरियो क्या है इस कॉलेज का। तो यहाँ पे आपको दिख जाती है इसमें ये शीट, इसमें आपको दिख रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मिलती है आपको, प्राइवेट स्कॉलरशिप मिलती है। तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की अगर बात करें यार, तो आपको यहाँ पे पहले स्कॉलरशिप दिखा रखी है EBC स्कॉलरशिप, जो आपको गवर्नमेंट महाराष्ट्र की तरफ से मिल रही होती है यार, ये ओपन कैटेगरी वालों को मिलती है, मतलब सबको मिल जाएगी। इसमें आपकी जो फादर की एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है, यानी ट्यूशन फीस के लिए ही मिलती है, हॉस्टल फीस के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है।
उसमें आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आपका डोमिशियल और इनकम सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे सेकंड स्कॉलरशिप कुछ ऐसी है जिसमें आपको यहाँ पे 3 लाख पर एनम यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब 30,000 यार, 3 लाख नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरी है 25,000 की है, फिर आपको 100% ट्यूशन फीस मतलब खत्म हो जाती है, आपको एक भी रुपया नहीं देने कॉलेज में। ये स्कॉलरशिप कौन सी है? एससी स्कॉलरशिप है ये, केवल जो एससी से बच्चे बिलोंग करते हैं यानी इस कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं इनको ये स्कॉलरशिप मिल रही होती है, ठीक है। इसमें आपकी इनकम की नो लिमिट है और आपको सब कुछ यहाँ पे दिखा रखा है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, रेडी लगानी पड़ेगी, डोमेशियल इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मतलब ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लगानी पड़ जाती है यार। एसटी के लिए भी स्कॉलरशिप दिखा रखी, इनको भी 100% मतलब फ्री में पढ़वा रहे हैं इन लोगों को, मतलब अच्छी यार चीज है यार ये, कि ये चीज होनी चाहिए यार, गवर्नमेंट अच्छा यहाँ पे ये चीज दे रही है, ओके। उसके बाद इसको ओबीसी के लिए भी दिखा रखी है, इसमें 50% आपको मिल जाती है। एसबीसी के लिए दिखा रखी है कि यहाँ पे आपको 100% ट्यूशन फीस फ्री हो जाती है। ऐसे करके यहाँ पे सारे स्कॉलरशिप आपको यार दिखा रखी है, आप प्रॉपर वे में पढ़ सकते हो यार, ठीक है। वीडियो को आराम से पॉज करके बढ़िया से पढ़ो, ओके। प्राइवेट स्कॉलरशिप के बारे में बात करें यार, तो यहाँ पे दिखा रखा है कि लीला पूनावल्ला फाउंडेशन यहाँ पे है जो प्राइवेट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये लड़कियों के लिए प्रोवाइड करवाता है। एनुअल इनकम जो होगी वो आपकी 3.5 लाख के बीच में होनी चाहिए, मतलब 3 और 5 लाख लिखा हुआ है, मतलब इसके बीच में वेरी करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। और यहाँ पे ये नहीं दिखाया हुआ है यार कि कितनी स्कॉलरशिप ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये गलत बात है, इनको दिखाना चाहिए था कितनी स्कॉलरशिप ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ओके। ये सारे स्कॉलरशिप है, आप आराम से यार वीडियो को पॉज करो और सारी चीजें पढ़ सकते हो यार। अब हम मेन सिनेरियो के बारे में आ जाते हैं यार, जो होता है कॉलेज का प्लेसमेंट, बिकॉज प्लेसमेंट के बारे में नहीं जानूंगी यार तो कैसे किसी कॉलेज एडमिशन ले सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे दिखा रखा है यार ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सारी चीजें दिखा रखी है, अपन को ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यार, कैसे ये लोग ट्रेनिंग करवाते सब कुछ दिखा रखा है। सीधे इनका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड उठाते हैं यार, 2013-14 से लेकर 2020-21 तक का रिकॉर्ड इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो 2013-14 में मान लो 86 आती थी, काफी कम आती थी ना, फिर कैसे वेरी हुआ 89 हुआ, 116 हुआ, उसके बाद 125, 130, 135, 135, फिर 140 हो गया यार 2020 में, और 21 में 140 कंपनियां आई हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए विजिट करी है इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए हैं 459, 469, ऐसे करते वेरी करते करते 687 बच्चों के यहाँ पे इन्होंने प्लेस्ड करवाया है, किसमें? कंपनीज के अंदर, ओके। प्लेसमेंट का जो बच्चों का वो है परसेंटेज है वो यार कुछ इस तरीके का है कि ये वेरी करते 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 87% इनका हो गया है, कब? 2020-21 में, ठीक है। तो अच्छा, मतलब वेरी कर रहा है, मतलब ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये चीज आप देख सकते हो अच्छे से। मैक्सिमम सैलरी जो ऑफर्ड हुई है वो यार 2013-14 में काफी कम हुई थी, 10 लाख की हुई थी, मतलब उस टाइम के समय पे 10 लाख ही बहुत होते हैं, ठीक है। आज तो बहुत कम हो गए हैं 10 लाख, उस टाइम में बहुत होता था, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज कॉलेज का इतना नहीं होना चाहिए आज के टाइम पे, उतने उस टाइम पे ये अच्छा खासा होता था, ठीक है। वेरी करते 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 34 लाख पर एनम पे ये लोग जाके रुके हुए हैं 2020-21 में, इन्होंने दिखा रखा है। 22 में ये और बढ़ जाएगा यार, और आई गेस 35-36 लाख तो हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार ये देखो 3 साल से ये फिक्स चल रहा है, 34 लाख ही चल रहा है, मतलब 16 से सीधे 34, मतलब 17 से कम हुआ था फिर 34 हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ है। मिनिमम सैलरी पैकेज जो है 3.20 लाख पर एनम था 2013-14 में, और ये यार आपका वेरी नहीं कर रहा है, ये केवल उतना ही बना हुआ है, 3 लाख पर एनम ही बना हुआ है, ठीक है। एवरेज सैलरी जो है वो 6.30 लाख पर एनम थी, जो वेरी करते करते 18.5 लाख पर एनम हो चुकी है। मतलब यार जो ये सैलरी दिखाई हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंटरनेशनल के लिए, डोमेस्टिक के लिए नहीं, इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। इनका जो एवरेज पैकेज है यार वो इतना है, 5.3 लाख पर एनम जो डोमेस्टिक है, ये इंटरनेशनल है। मतलब आप इस कॉलेज से, मतलब इस कंट्री से बाहर जाते हो तो आपको यहाँ पे इतना पैकेज मिल रहा होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल का एक और पैकेज मैंने देखा था यार, इसके हाईएस्ट पैकेज जो है इनका वो 54 लाख पर एनम का है, जो आपको इंडिया से बाहर मिल रहा होता है, ठीक है। मतलब अच्छी खासी ये लोग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करवाते हैं यार, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो यार तो आराम से प्लेस्ड हो जाओगे किसी कंपनी में, और भाई मजे करोगे यार, और बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो, इसकी बात की गारंटी आप लोग की मैं ले सकता हूँ यार। अगर मेहनत करोगे यार तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, परेशान मत होना यार, आराम से पढ़ाई करो अपनी। रिक्रूटर की बात करें यार, तो यहाँ पे टाटा आ चुकी है, जेंसार आ चुकी है, अमेजोन है, इन्फोसिस है, विप्रो है, आईबीएम है, तो डेल है, बहुत सारी कंपनीज है, मैनी मैनी कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं यार। तो ये सारे स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे टीसीएस में, फिर
सी बैच में, उसके बाद LTI में, उसके बाद TCS में TCS के ज्यादा दिखा रखा है। कोई बात नहीं, ये सारा यार इनका कॉलेज का प्लेसमेंट का सिनेरियो है यार। तो ओवरऑल आप बताओ आपको कॉलेज कैसा लगा यार, प्लेसमेंट सेक्शन इनका कैसा है, फीस कैसी है, ये सारी चीजें आपको क्या लग रहा है कि कॉलेज का ये जो चीजें हैं वो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसा है, सही है या खराब है, सारी चीजें आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो यार। कोई क्वेश्चन आके माइंड में बार बार क्लिक कर रहा है तो आप ये चीज भी कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो यार, मैं आपका वहां पे आंसर कर दूंगा यार। बाकी अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करो यार तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है यार। यहाँ पे जो फीस है वो तो लग ही रही है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जा रही हैं, तो आप कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो यार, और अच्छा खासा यहाँ पे पैकेज उठा सकते हो। क्योंकि यार सारे बच्चे जो होते हैं प्राइवेट कॉलेज में वो प्लेस नहीं होते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट कोटा के बच्चे आ रहे होते हैं, लेकिन इस कॉलेज में यार आपको काउंसलिंग के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। तो मतलब जो एरे गहरे बच्चे हैं वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखना यार। मैनेजमेंट कोटा के बच्चे यहाँ पे कम होते हैं, आई गेस मैनेजमेंट कोटा के बच्चे यहाँ पे नहीं होते हैं यार, सारे जो बच्चे हैं CET का एग्जाम देके यहाँ पे आ रहे होते हैं यार, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है इस कॉलेज का, आपको कॉलेज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। See you.